हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बोल बोल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं बिग बॉस की बातें। जी हां, बिग बॉस की बातें में सबसे पहले तो हम बात करते हैं जैस्मिन और रुबीना की दोस्ती को लेकर, जिसमें अभिनव बेचारे ऐसे ही पिसते रहते हैं। अब अभिनव की दोस्ती रुबीना अब सॉरी अब अभिनव की दोस्ती जैस्मिन के साथ तो बहुत अच्छी है, और रुबीना आपको उनकी पत्नी है तो वो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल जो टास्क दिया गया था, जैसे कि म्यूजिकल चेयर टास्क ही लग रहा था, क्योंकि कहीं से भी ऐसे स्टार के मुंह में जाके वो कुछ कर रहे हैं ऐसा कुछ टास्क नहीं लग रहा था। अब उस टास्क में जब जैस्मिन और अभिनव एक ही चेयर के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं, उसमें रुबीना अपने पति का साथ देती हैं और इस बात को जैस्मिन को हजम नहीं होता है। जैस्मिन उन्हें बहुत कुछ सुनाने लग जाती है। अब ये दोनों के बीच में अब बेचारे इनको समझ में नहीं आता अभिनव को कि मैं क्या करूं यार, मतलब आप जबरदस्ती मुझे क्यों घुसे रहे हो सारी चीजों में, पर करे भी क्या, क्योंकि अब दोनों की दुश्मनी साफ तौर पर अब फ्रंट फुट पे आके दोनों खेलना, बैक फुट फ्रंट फुट इन लोग आपस में सारी चीजें चलने लगी है। अब दोनों की ये दुश्मनी तो साफ तौर पे वैसे भी नजर आने लगी है कि भैया चलिए अभी दोनों लड़ रहे हैं, पर इसके बीच में चाहे एक तरह से मैं ये बात कहूँ, चाहे अभिनव हो चाहे राहुल हो, ये दोनों वैसे भी कूद जाते हैं कि भैया तुमने ऐसा मत बोलिया। और अभिनव बहुत बार ये रुबीना को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरी लड़ाई है तो मुझे खेलने दीजिए, पर रुबीना और जैस्मिन की जो एक दोस्ती की 1% भी लोग जो उम्मीद कर रहे थे भैया इन दोनों की दोस्ती वापस दुश्मनी वापस दोस्ती में बदल जाएगी, दोनों फिर एक बहुत अच्छे दोस्त हो जाएंगे या दोनों साथ में एटलीस्ट कॉफ़ी पीते हुए नजर आ जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों की दुश्मनी दिन पे दिन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब जब गेम ही 3 दिन का बचा हुआ है, अब फाइनलिस्ट चुने जा चुके हैं और उसी के साथ अब 2 लोग और चुनने वाले हैं। अब वेल, इसमें तो आपको रुबीना और जैस्मिन ही आगे तक जाने वाली है, या तो मैं कह सकती हूँ जैस्मिन की जगह पे अगर कोई रिप्लेस कर सकती है तो निक्की तंबोली कर सकती है। अब चाहे गेम जैसा भी हो जो भी हो, पर रुबीना और जैस्मिन की जो दुश्मनी है मुझे नहीं लग रहा है घर से निकलने तक कहीं से भी सुलझने वाली है, क्योंकि अब जैस्मिन को ये बुरा लगता है कि वो अभिनव रुबीना के सपोर्ट में हमेशा बात करते हैं, वो दोस्ती को कहीं ना कहीं फिर भी पीछे लेते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक तरह से जैस्मिन रुबीना की, तो रुबीना को हमेशा ये लगता है कि जैस्मिन उनका फ़ायदा उठाती है, जो पूरी तरह कहीं ना कहीं पूरी तरह गलत है और उन्हें वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अब अभिनव को भी धीरे धीरे ही सही अब जैस्मिन की ये चीज़ समझ में आ रही है कि जैस्मिन अपने गेम के लिए वो कुछ भी कर सकती है और किसी भी तरह कर सकती है, और वो रुबीना की सारी बातों को कहीं ना कहीं मानने लगे हैं कि जैस्मिन गेम के लिए चाहे जैसा भी हो जो भी हो हर तरह का रूप बदल सकती है। और बिल्कुल जैस्मिन ने उस चेयर को हटाने के लिए अभिनव को उन्होंने ना कोई दोस्ती देखा ना कुछ देखा ना उन्हें वो उन्होंने उनको अप्रोच करने की कोशिश किया, उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रहा था कि वो अभिनव को चेयर से गिराए और उस चेयर पे जाकर वो बैठे, और उसके लिए वो काफ़ी लड़ते हुए नजर आई। और उन्होंने ये भी बात कहा कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ये फिनाले वीक है और मैं इसमें कहीं भी पीछे नहीं हट सकती हूँ। वेल, चाहे जैस्मिन ने जो भी रीज़न दिया हो, पर रुबीना और जैस्मिन की जो दुश्मनी वो साफ तौर पे नज़र आती है, और अभिनव भी अब क्या करे, अब उन्होंने अपनी पत्नी के सपोर्ट में ही बात करेंगे तो बिल्कुल वही चीज़ हो रहा, और इस बात से अब जैस्मिन को प्रॉब्लम होने लगी है। वेल, ये तो चीज़ हमें नज़र आ रही है, आई थिंक आपको भी नज़र आ रही है, पर क्या सच में अब भी आप ये उम्मीद रखते हो कि जैस्मिन और रुबीना साथ हो जाएंगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी खबरों के लिए बने रही है बोल बोल बॉलीवुड के साथ।